हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस है हमारा। प्रेजेंट का जो दो नंबर टेंस है, इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था। तो इस टेंस में बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एडवर्ब्स जो हमें इसमें आइडेंटिफाई करने हैं, एक तो है नाउ, एक है आपका एट दिस टाइम, एक है एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, दीज डेज और नाउ ए डेज। कहने का मतलब इस टेंस में वो कार्य या वो एक्शंस लिखे जाते हैं जो स्पीकर के बोलते समय, जब वक्ता बोल रहा है तब वो कार्य हो रहे होते हैं। कंटिन्यूटी या कंटिन्यू वो काम है, कार्य ऐसे जो रिसेंट पास्ट में स्टार्ट हुए हैं, प्रेजेंट में चल रहे हैं और आने वाले समय में भी चलते रहेंगे, वो कार्य इस टेंस में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का जहां तक सवाल है, तो हमें तीन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना है, इज, एम और आर। ये तीन सहायक क्रियाएं हैं। एक वचन हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया का जहां सवाल है तो यहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी चौथी फॉर्म होती है वर्ब की, उसका हम इन वाक्यों में यूज करते हैं। बाकी चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो, यही तीन सहायक क्रियाएं और यही एक आईएनजी फॉर्म हमें उसमें अप्लाई करनी है। अलावा इसके, इन एडवर्ब्स के अलावा भी दो तीन इसके यूज और होते हैं जो विदाउट एडवर्ब्स के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपने साथ लेते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। एक तो हमारे सेंटेंस में यदि सेंटेंस के शुरुआत में ही इनमें से कोई शब्द आया हो, जैसे लुक, सी, हियर और आपका है अटेंशन, या फिर आपका है लिशन, या फिर आपका आया हो वॉच, और इन शब्दों की तुरंत बाद में इंटरजेक्शन नोट आया हो, तो इनके बाद में जो भी सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आएगा। और इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहां पे, जैसे लुक, राम इज कमिंग, देखो राम आ रहा है। इट मीन्स ये चीज जो है ये इस वाक्य को आइडेंटिफाई कर रही है कि ये कंटिन्यूअस का एक्शन इसमें डोनेट हो रहा है। एक तीसरा जो प्रयोग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो आपका होता है टेम्परेरी सिचुएशन के लिए। टेम्परेरी सिचुएशन के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी काम जो हम रेगुलर किसी तरीके से कर रहे हैं और एक दिन हमने उसकी काम करने की जो विधि है उसको बदल दिया, जैसे राम रोज पैदल विद्यालय जाता है पर आज वो साइकिल पे विद्यालय जा रहा है, तो टेम्परेरी सिचुएशन मीन्स डेली जिस तरीके से हम कार्य करते हैं, डेली जिस तरीके से कार्य हो रहा है, हम उस तरीके को अस्थायी तौर पर यदि कभी बदल दें तो वो कंटिन्यूज में लिखा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आप यहां देखेंगे इसका, सी वियर्स ब्लू साड़ी बट टुडे सी इज वियरिंग रेड, वह सामान्य तौर पे नीली साड़ी पहनती है परंतु आज वह लाल साड़ी पहने हुए है। इट मीन्स जो कार्य रेगुलर जिस तरीके से हो रहा है और जो टेम्परेरी उसमें कोई जो बदलाव आया है उसमें हम कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा हम उस जो टेम्परेरी सिचुएशन क्रिएट हुई है उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। तो ये कुछ हमारे एडवर्ब्स हैं और ये इसका दूसरा यूज है और थर्ड यूज है वो है टेम्परेरी सिचुएशन का। तो
कंटिन्यूअस टेंस में ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचते हुए मैं आपको इसके एक दो एग्जांपल्स बता देता हूं। और उम्मीद है कि आप इनका आंसर्स कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे राम ए बुक, नाउ हमारा ब्रैकेट में जो वर्ब है वो है रीड, वी खालिस्तान ए न्यू हाउस इन जयपुर दीज डेज। हमारा वर्ब है इसमें बिल्ट, वी खालिस्तान ए न्यू हाउस इन जयपुर दीज डेज। एक अगला है, आई खालिस्तान मैथ्स राइट नाउ, और हमारी ब्रैकेट की वर्ब है स्टडी। वन मोर एग्जांपल, रेखा ब्लैंक हिंदी एट दिस मोमेंट, हमारा ब्रैकेट में जो वर्ब है वो है स्टडी और स्टडी से पहले नोट भी है। एक अंतिम वाक्य आप इसमें देखेंगे, अटेंशन द टीचर ब्लैंक और ब्रैकेट की वर्ब है कम। तो ये पांच हमारे सेंटेंस है, आप इन पांचों सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको ब्लैंक में फिल करके और कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताएं। और आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया जा रहा है और जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो मैं आशा करता हूं कि आपका स्नेह इसी तरह बना रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।